डिफरेंस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो क्या डिफरेंसेस है नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के बीच में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट है नर्वस कंट्रोल में इंफॉर्मेशन इज पास्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन। यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में क्या है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में ये क्या कर रही है कंडक्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। जबकि हार्मोनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन इज पास्ड बाय सेंडिंग केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। यहां जो इंफॉर्मेशन है वो हार्मोन के थ्रू जो कि केमिकल सब्सटेंस है केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। मान लो ये है ये एक केमिकल है तो केमिकल रास्ता तय कर रहा है किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सेकेंड है नर्वस कंट्रोल में इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स वेरी रैपिडली इन मिली सेकेंड। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से मूव कर रही है, जैसे इंफॉर्मेशन जा रही है तो मिली सेकेंड में यहां से यहां जहां टारगेट टिश्यू है वहां तक फट से पहुंच जाएगी। जबकि यहां पर बात करें हम हार्मोनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली, यहां इंफॉर्मेशन धीरे धीरे जा रही होती है तो इंफॉर्मेशन यहां क्या कर रहा है स्लो जा रही है, ठीक है। और यहां पर क्या है बहुत तेजी से मिली सेकेंड में रैपिड काम कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। यहां पर जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो लेकर जो जा रही है कहां तक ब्रेन तक वो सेंसरी नर्व हो गई, ठीक है। जब ब्रेन ने कोई मैसेज जो उसे एनालाइज किया और फिर उसे किसी दूसरे ऑर्गन तक भेजा तो ये कौन लेकर के जाएगा ये लेकर के जाएगी मोटर नर्व, ठीक है। तो यहां नर्वस सिस्टम है नर्व क्या है मैसेज को लेकर के जा रही है जबकि यहां क्या है इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लड स्ट्रीम में केमिकल को छोड़ दिया है, मतलब ये मान लो ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। और यहां पर कोई केमिकल है यहां पर हमने क्या कर दिया इसके अंदर हार्मोन को छोड़ दिया, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है वो इस ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर के क्या है इसके जो पार्टिकल है ये जो हमारा केमिकल है केमिकल मैसेंजर ये किसी टारगेट टिश्यू तक टारगेट ग्लैंड तक क्या करेगा पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर कोई ऐसे नर्वस सिस्टम नहीं है यहां कोई नर्व नहीं है यहां तो ब्लड के अंदर ही छोड़ दिया जाता है और वो आर्टरी और वेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है रिस्पॉन्स इज इमीडिएट। यहां पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज है नर्वस कंट्रोल का रिस्पॉन्स भी बहुत तेज है जबकि यहां पर बात करें हार्मोनल कंट्रोल में तो रिस्पॉन्स इज यूजुअली स्लो। यहां पर जो रिस्पॉन्स है वो धीरे होता है। फिर फिफ्थ है इट्स इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड। इसका जो इफेक्ट है नर्वस कंट्रोल में जो इफेक्ट है वो कुछ देर के लिए होता है बहुत कम समय के लिए होता है जबकि हार्मोनल कंट्रोल की बात करें इट्स इफेक्ट आर जनरली प्रोलोंग्ड। यहां पर जो इफेक्ट है जिस भी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट है वो लंबे समय तक बना रहेगा।